प्रदूषण से दिल्ली में लोग परेशान हैं, आपको हम सुनवाते हैं कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया सुने। बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है, इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ आ रही है, आंखों में जलन है, साइकिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा ब्रीदिंग वेल की सी प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, आईज में इरिटेशन है, आंखों में जलन हो रही है और सांस जैसे आप लेंगे तो गले में भी हल्की हल्की जलन हो रही है। रनिंग करने, जॉगिंग करने के लिए आया था लेकिन सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना पोल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने, और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा, देख रखा है आपने, और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए, अब वो नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई बस में नहीं है। ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है, मेरी 72 साल की उम्र है, इसे लगा रखा है नाक पे इसलिए कि ना घुसे, लेकिन इसके बावजूद भी आंखों से पानी निकलता है। और देखिए, दिल्ली के प्रदूषण पर जमकर सियासत भी हो रही है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली में आज पोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो क्रैकर बैन ऑलमोस्ट 95-98% है, लोग गाड़ी नहीं चलाते, सरकार कहती है कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, लोग कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं। परंतु ये सोई हुई सरकारें क्या कर रही हैं, रामायण में कुंभकर्ण थे, वो भी 6 महीने में एक बार जाग जाते थे, परंतु आज 10 साल यानी कि लगभग 120 महीने हो गए हैं इन दोनों सरकारों ने एयर पोल्यूशन पर कुछ नहीं करा। जो आज दिल्ली की हालत ये है कि आप क्रिमेशन ग्राउंड में जाओगे तो जो सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग लोग घर बैठे हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मैक्सिमम कैजुअलिटीज उनके यहाँ हो रही है। ये एयर इंडेक्स जो ऊपर जाना शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल भाग गया है, भगौड़ा अब टीवियों पे नहीं आ रहा, भगौड़ा अब इस पे को बोल नहीं रहा, क्योंकि 9 साल से लगातार वही झूठ बोल रहा था, कभी पंजाब को दोषी ठहराता था, कभी किसी चीज़ को, अब कहने लग पड़े NCR दोषी है। ये स्लो पॉइजन है, हजारों नन्हे बच्चों का और बुजुर्गों का कातिल है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के अंदर स्लॉटर के लिए, स्लो किलिंग के लिए उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में दिल्ली में कोई जुर्रत ना कर सके ऐसी गंदी बीमारी, झूठ की बीमारी, बहानों की बीमारी लाकर हमारे दिल्ली वालों की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो दिल्ली में आज भी खतरनाक प्रदूषण है, आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की। रविवार का दिन है और रविवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है, जब आप छुट्टी के दिन अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब आप घर से निकले तो सावधान होएं, क्योंकि इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी, चारों तरफ स्मोक की चादर है, प्रदूषण का स्तर लगातार वो बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 दिनों तक कम से कम राहत तो मिलने वाली नहीं है, और 7 दिन बाद दिवाली है, दिवाली में पटाखे जलेंगे, तो ऐसे में जो AQI लेवल है वो दिल्ली NCR का और ज्यादा खराब होगा। इस वक्त मैं DND पर मौजूद हूँ जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। जरा तस्वीर सुबह की मैं आपको दिखाऊं तो सामने अगर आप देखेंगे DND पर तो दूसरी तरफ काफी बिल्डिंगें हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें नजर बिल्कुल नहीं आ रही है, विजिबिलिटी इतनी कम है, और ये विजिबिलिटी कम किसी कोहरे की वजह से नहीं है, दरअसल दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब हो गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो प्रदूषण के स्तर को देखते हुए उनके सर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, और कमोबेश तमाम तरह के कोशिशें दिल्ली सरकार कर रही है, तमाम चीजों पर, कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बावजूद इसके जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, DND से आज तक। तो ये तो बात हो गई दिल्ली NCR की, लेकिन आपको बता दें मुंबई में भी हालात बेहद खराब हैं, बदतर हो रहे हैं, कुछ औद्योगिक इकाइयों पर BMC ने सख्ती दिखाई है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल में, मजगांव एरिया में जहां पर हम खड़े हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से 159 के आंकड़े पर आया है, यानी कि पुअर कैटेगरी में। अगर आपको इस एरिया का नजरिया और रुख बता दें तो कहीं ना कहीं आपको ये एरिया फिर भी धुआं धुआं लग रहा होगा, और साफ तौर पर बिल्डिंगें भी ढंग से दिखाई नहीं पा रही होगी।
महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी के जो पर्यावरण कंट्रोल की बॉडी है इस राज्य की, उन्होंने क्लोजर नोटिसेस और कुछ कंपनियों को कंप्लायंस नोटिस भी सर्व किए हैं। उन्होंने क्लोजर नोटिस जेएसडब्ल्यू ग्रीन सीमेंट और सीएट टायर्स के प्लांट को नॉन अडियरेंस ऑफ पोल्यूशन रूल्स यानी के ज़्यादा प्रदूषण करने के लिए क्लोजर नोटिसेस भी सर्व किए हैं उनके प्लांट्स पर। वहां पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सप्लाई भी रोक दिया है। इस शहर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो घटती जा रही है और आने वाले दिवाली के त्यौहार में जब लोग पटाखे फोड़ेंगे तो शायद हालत और ख़राब हो सकती है। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी और कोलकाता ऐसे दो शहर हैं जो वर्ल्ड्स टॉप 10 वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट में भी आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली में तो हालत काफ़ी ख़राब है। इस एरिया का अगर फिर से एक और बार रुख करें तो आप फिर से देखेंगे कि मुंबई की स्काईलाइन आकाश की ओर अगर एक बार हम घुमाएंगे तो कितना धुंधला सा दिख रहा है। इस शहर में जो सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पर जो सारे रूल्स हैं उनको फॉलो करने को कहा गया है बीएमसी के द्वारा। कैमरामैन मंदार चव्हाण के साथ देव कोटा, काच तक, मुंबई। जी हां, तो दिल्ली पर लगातार छठे दिन भी जबरदस्त प्रदूषण की मार पड़ी है। सरकार के सारे इंतजामों के बाद भी लगातार AQI बदतर हो रहा है। दिल्ली के आसपास के शहरों में भी हालात दिल्ली जितने ही बदतर हैं। कुछ दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली फिर धुआं धुआं। जहरीले स्मॉग के 72 घंटे। स्कूल बंद, लेकिन जिंदगी का क्या? गाजियाबाद में भी हवा जहरीली। हरियाणा के शहर में घुटती सांस। लखनऊ तक सांसों पर अटैक। ये प्रदूषण जान ले लेगा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हवा का हाल खराब है। सूरज की बादलों का सीना चीरकर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जहरीले स्मॉग ने दिल्ली पर ऐसी धुएं की चादर बिछा दी है जिसके आगे सब पस्त हैं, लोग बेहाल हैं, सरकार परेशान है और हर बंदिश हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली में आज हर जगह हवा का हाल खराब रहा। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक कमोबेश हर इलाके में स्मॉग छाया रहा। अभी भी दिल्ली किसी हिल स्टेशन जैसी लग रही है, लेकिन बादलों जैसा दिख रहा ये स्मॉग दिल्ली की सांस घोट रहा है। पूर्वी दिल्ली हो या फिर सेंट्रल दिल्ली, दूर दराज की कोई कॉलोनी हो या फिर इंडिया गेट, हर जगह यही हाल है। इंडिया गेट धुंध में डूबा है, इसके बाद भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। यही हाल गाजियाबाद का है। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हाईवे की तस्वीर है जो धुंध में डूबा है। खुला इलाका है लेकिन स्मॉग ने इसको कैद कर लिया है। दिल्ली में आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड आज प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मैदान में उतरी है। सड़कों पर इन टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल नीचे बैठे तो कुछ AQI घिरे, लेकिन ये इंतजाम भी कारगर साबित नहीं हो पा रहे। दिल्ली सरकार ने पाबंदियों का दायरा कुछ और बढ़ा दिया है। 5वीं तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। 6ठी से 12वीं तक के लिए भी ऑनलाइन क्लास ली जा सकेगी। कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह बैन है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कचरा जलाने पर नजर रखी जा रही है। परिंदे तक दिल्ली के प्रदूषण को नहीं झेल पा रहे। चांदनी चौक में परिंदों का अस्पताल है जहां अब ज्यादा बीमार चिड़िया और दूसरे परिंदों को लाया जा रहा है। हाँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंसानों में भी पोल्यूशन की वजह से जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सांस लेने में आ रही है, आँखों में जलन हो रही है, सेम ऐसा ही पंछियों में भी देखा जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा नंबर के जो हमारे पास पंछी आ रहे हैं उनमें कबूतर हैं। कबूतर के साथ साथ जैसे कुछ लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं अपने पास, बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, मुर्गियाँ रखी, तो उनमें भी सांस की दिक्कत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इंतजामों की बात करते हैं, लेकिन साथ में ये भी जोड़ते हैं कि पंजाब की पराली नहीं बल्कि हरियाणा यूपी की पराली दिल्ली का दम घोंट रही है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है
वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ मिल करके इन जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके साथ भी इस बात की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो भी अपने इम्प्लीमेंटेशन पर जो है 100% जो है वो फोकस करें, जिससे इस सोर्स को रिड्यूस किया जा सके। दिल्ली के आसपास के शहर भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। ये सोनीपत का हाल है, यहाँ भी दिल्ली जितनी खराब हालत है। सोनीपत जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 400 पर है। स्मॉग इतना ज्यादा है कि लोगों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। लोग लापरवाह इतने कि कबाड़ में आग लग गई है। लखनऊ पर धूल भरे धुएं की चादर है, यहाँ भी एक्यूआई 200 के पार है। लोग परेशान हो चुके हैं।